राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, कक्षा 10th, विषय सामाजिक विज्ञान, अध्याय 4, विश्व का इतिहास। शुल्क संघ जाल वेराइन 1834 ईस्वी में स्थापित हुआ। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कृषि के क्षेत्र में हुई। आलोडन भट्टी की खोज हेनरी कोर्ट ने की थी। गेस्टाइन समझौता ऑस्ट्रिया तथा प्रसा के मध्य हुआ। कार्बोनरी संस्था की स्थापना 1810 ईस्वी में नेपल्स में हुई। युवा इटली की स्थापना मेजिनी ने 1831 ईस्वी में फ्रांस के मार्सेलस नगर में की थी, जिसने इटली के राष्ट्रीय आंदोलन में शीघ्र ही कार्बोनरी का स्थान ले लिया। युवा इटली के 3 नारे थे, ईश्वर पर विश्वास रखें, सभी भाइयों को एक साथ मिलाओ, इटली को मुक्त करो। इस संस्था के उद्देश्य थे इटली की एकता और स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा स्वतंत्रता, समानता तथा जन कल्याण आधारित राज्य की स्थापना करना। राष्ट्रवाद का अर्थ। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति की उच्चतम निष्ठा राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है। यदि संतुलित राष्ट्रवाद है तो राष्ट्र की उन्नति होती है, परंतु राष्ट्रवाद की अति विषम परिस्थितियों युद्ध को जन्म दे सकती है। राष्ट्रवाद उदय के कारण। मध्य वर्ग का उदय। उदारवादी राष्ट्रवाद, इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांतियाँ, क्रांतिकारियों का उदय, भाषा और लोक कथाओं का योगदान। जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं। जर्मनी की समस्याओं में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। जर्मन राज्यों में आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक असमानताएं। अधिकांश जर्मन राज्यों की शिथिल सैनिक शक्ति, जन सामान्य में जागृति का अभाव, विदेशियों की जर्मन राज्यों में रुचि, जर्मनी के दक्षिणी राज्यों में पोप का प्रभाव। कार्बोनरी संस्था। कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था की स्थापना 1810 ईस्वी में नेपल्स में हुई थी। इस संस्था के 2 प्रमुख उद्देश्य थे, विदेशियों को इटली से बाहर निकालना, इटली में वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। इस संस्था ने इटली वासियों में देशभक्ति, संघर्ष, न्याय, बलिदान एवं स्वतंत्रता की भावना भर दी। मेजिनी का योगदान। 1831 ईस्वी में मेजिनी ने युवा इटली नामक एक संस्था की स्थापना की। मेजिनी ने कहा था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो नेतृत्व युवकों को सौंप दे। इस संस्था ने इटली वासियों में देशभक्ति, संघर्ष, त्याग, बलिदान, स्वतंत्रता की भावना पैदा की। राष्ट्रवाद का अर्थ। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति की उच्चतम निष्ठा राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के 2 कारण। मध्यम वर्ग का उदय, इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांतियाँ। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम क्रांति शुरू होने के 2 कारण। इंग्लैंड के पास एक विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य था। इंग्लैंड में लोहे और कोयले की खानें पास पास स्थित थी। सीड ड्रिल मशीन का निर्माण जेथ्रोटल ने किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार
1733 ईस्वी में जॉन के ने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1765 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। 1769 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। 1779 ईस्वी में सैमुअल क्रॉम्पटन ने म्यूल का आविष्कार किया। 1787 ईस्वी में एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया। 1709 में अब्राहम डर्बी ने धमन भट्टी का आविष्कार किया। इंग्लैंड में 1788 से 1796 ईस्वी में अनेक नहरों का निर्माण किए जाने से यह काल नहरोन्माद कहलाता है। 1869 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्टिनेंड द लेसलेस ने स्वेज नहर का निर्माण किया। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने भाप इंजन रॉकेट का आविष्कार किया। 1830 ईस्वी में प्रथम रेलगाड़ी मैनचेस्टर तथा लिवरपूल के बीच चली। 1844 ईस्वी में सैमुअल मोर्स ने एक व्यवहारिक तार यंत्र का आविष्कार किया। 1876 ईस्वी में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। 1819 ईस्वी में प्रसाद तथा स्वार्ज बर्गर सौंदर शोषण नामक राज्य के बीच सीमा शुल्क संधि जालवरण की स्थापना हुई। जर्मनी के एकीकरण में योगदान देने वाले दो विद्वान फिक्टे और हार्डेनबर्ग था। विलियम प्रथम ने अपना चांसलर बिस्मार्क को नियुक्त किया। जर्मनी के एकीकरण के तीन चरण। डेनमार्क से युद्ध और गेस्टाइन की संधि, ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध तथा प्राग की संधि, फ्रेंको पर्शियन युद्ध तथा फ्रैंकफर्ट की संधि। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन बोनापार्ट था। 14 अगस्त 1865 को ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच गेस्टाइन की संधि हुई। प्राग की संधि 23 अगस्त 1866 को ऑस्ट्रिया तथा प्रसा के बीच हुई। 15 जुलाई 1870 को फ्रांस तथा प्रसा के मध्य युद्ध शुरू हुआ। जर्मनी का एकीकरण 18 जुलाई 1871 को हुआ। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को फ्रांस तथा प्रसा के मध्य हुई। कार्बोनरी संस्था के उद्देश्य विदेशियों को इटली से बाहर निकालना, इटली में वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। गैरिबाल्डी इटली का एक महान स्वतंत्रता सेनानी था। उसने सैन्य शक्ति के बल पर सिसिली तथा नेपल्स पर अधिकार कर लिया। गैरिबाल्डी के संगठन का नाम लाल कुर्ती दल था। रोम को संयुक्त इटली की राजधानी बनाया गया। गेस्टाइन की संधि की प्रमुख शर्तें। स्लेसविंग पर प्रसा का अधिकार मान लिया गया। हालस्टाइन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। प्रसा ने लावेनबुर्ग की डची ऑस्ट्रिया से खरीद ली। कील नामक बंदरगाह पर प्रसा को किलाबंदी करने का अधिकार मिल गया। बिस्मार्क की रक्त और लोहे की नीति। बिस्मार्क की मान्यता थी कि सैनिक दृष्टिकोण से प्रसा को शक्तिशाली बनाकर ही
जर्मनी का एकीकरण पूरा किया जा सकता था। उसने कहा था कि हमारे समय की महान समस्याएं अदालतों और बहुमत के प्रस्तावों द्वारा नहीं बल्कि रक्त और लोह की नीति के द्वारा ही हल हो सकती है। अतः थोड़े समय में ही प्रसा ने एक विशाल और सुसज्जित सेना का निर्माण किया और अंत में रक्त तथा लोह की नीति के द्वारा डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण पूरा कर दिया। नेपोलियन को इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता क्यों कहा जाता है? नेपोलियन ने इटली की विजय के बाद इटली में गणतंत्र की स्थापना की थी और सम्राट बनने के पश्चात उसने अनेक छोटे बड़े राज्यों को समाप्त कर उन्हें केवल 3 भागों में समूहित कर दिया था। उसने सामंतवादी व्यवस्था समाप्त कर दी तथा आंतरिक व्यापार पर प्रतिबंधों का अंत कर दिया। उसने संपूर्ण इटली में एक समान कानून लागू किए। जब नेपोलियन ने इटली का उपनिवेश के रूप में प्रयोग किया तो इटली वासियों की राष्ट्रीय भावनाएं भड़क उठी। इन्हीं कारणों से नेपोलियन को इटली का राष्ट्रवाद का जन्मदाता कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति की प्रमुख परिभाषाएं। इतिहासकार डेविस के अनुसार औद्योगिक क्रांति का अभिप्राय उन परिवर्तनों से हैं जिन्होंने ये संभव कर दिया कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन साधनों को त्याग कर विशाल पैमाने पर विशाल कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सकें। इतिहासकार हेजन के अनुसार औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य घरेलू उद्योग धंधों का मशीनीकरण है। औद्योगिक क्रांति से होने वाले परिवर्तन। उत्पादन के लिए जो कार्य पहले हाथ से किए जाते थे वे अब शक्ति संचालित यंत्रों से किए जाने लगे। इस्पात की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए इस्पात बनाने के कारखाने खोले जाने लगे। कृषि कार्यों में शक्ति संचालित मशीनों का प्रयोग होने से कारण छोटे छोटे खेतों के स्थान पर बड़े बड़े फार्मों में खेती की जाने लगी। पूंजी का उपयोग बढ़ने के कारण बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ। वाष्प चालित इंजन और यंत्र चालित जहाज़ों के कारण यातायात में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि के लिए संगठित व्यापार तंत्र विकसित किया गया। कम मानव श्रम तथा अधिकतम उत्पादन के सिद्धांत को अपनाया गया। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जल संसाधनों को अपने परंपरागत कृषि व्यवसाय तथा घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर नए प्रकार के वृत्त उद्योगों में काम करने तथा यातायात के नवीन साधनों के प्रयोग का अवसर मिला। सर्वप्रथम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होने के कारण। इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य, लोहे और कोयले की खाने पास पास होना, उपभोग के अनुरूप उत्पादन, अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता, फ्रांसीसी क्रांति एवं युद्ध, पूंजी की उपलब्धता, इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति, कृषि क्रांति, वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन। इटली के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं। प्रतिक्रियावादी विदेशी प्रभुत्व, पोप का रोम पर प्रभुत्व, इटली का 3 राजनीतिक इकाइयों में विभाजित होना, राजनीतिज्ञों में एकता का अभाव, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, सामंतवाद एवं कुलीन वर्ग की सामंतवादी प्रथा को पुनः स्थापित करने की इच्छा।